हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसिस किंजल पंचल, आई एम अ टीचर इन जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6, लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 11 लैंड फॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 11। ओके, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, आई विल कंटिन्यू। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लैंस, मतलब जो प्लैंस होते हैं, प्लैंस मीन्स फ्लैट लैंड्स। ओके, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? ओके, सो प्लैंस का इम्पोर्टेंस, प्लान मतलब वो उड़ने वाला प्लान नहीं, फ्लैट लैंड की बात करें। ओके, इसलिए याद रखें। प्लेसिस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड ट्रेड कॉमर्स आर एस्टेब्लिश्ड इन द फर्टाइल प्लैंस। ओके, फ्लैट प्लैंस हैव proved more useful for road routes and rail routes. Cities having dense population are situated in the plains. Fertile land is more useful for farm production. Farm produce supplies raw materials for the industries. अब जो place है plains, okay? तो जो उसमें फर्टाइल प्लेन्स, मतलब एक जैसी ज़मीन होती है, फर्टाइल मतलब फलद्रुप जो ज़मीन होती है, फलद्रुप जो इसको बोलते हैं, यानी फलद्रुप में उसमें सारे मिनरल्स होते हैं। कोई की जब ज़मीन ऐसी होती है, जैसे गांव साइड जाओ तो उसकी जो ज़मीन होती है वो एकदम मिनरल्स वाली होती है, फर्टाइल होती है एकदम, समझ, क्योंकि तभी तो क्रॉप्स ग्रो कर सकते। तो जो उसकी बात तो अभी बताऊँगी मैं, पर पहले जो ह्यूमन हैबिटेशंस, अब देखो पहाड़ में घर ऐसे, पहाड़ ऐसे होता है, अगर पहाड़ इस तरीके से है तो घर इस तरीके के बने गया तो क्या कोई रह पाएगा? नहीं, डर रहता है ना। अगर फ्लैट लैंड है और उस पर घर बनाते हैं हम लोग, तो कोई आसानी से रह सकता है उसके ऊपर। ओके, आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि घर गिरने का जो डर रहता है वो नहीं रहता। ओके, सो फ्लैट लैंड होती है ना जो प्लेन्स, उस पर ह्यूमन जो हैबिटेशन है वो पॉसिबल होता है, मतलब इंसान लोगों का रहने का। ओके, हम माउंटेन प्लेट्यू वो सब देखने के लिए अच्छा है। चलो, एक्चुअली टूरिज्म के हिसाब से, फिल्म इंडस्ट्री का जो शूटिंग होता है उसके हिसाब से अच्छा है, कि लाइफ टाइम के लिए वहाँ सेट होना, रहना पॉसिबल नहीं है। ओके, डिफिकल्ट, डेंजरस ऑल्सो। सो और दिस दूसरा है ट्रेड कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स मतलब व्यापार जगत, उस वो भी प्लान्स में ही एस्टेब्लिश होता है, यानी वो सब जो होता है, जो भी ट्रेड व्यापार इंडस्ट्री होती है वो सब प्लेन्स में ही ज़्यादा अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो सकती है, बाकी तो माउंटेन प्लेट्यू वो सब का काम नहीं। ओके, फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड, अब फ्लैट प्लेन्स जो होती है उसमें रोड रूट, ट्रेन रूट्स, रेल रूट्स यानी ट्रेन का रूट्स जो होता है वो पॉसिबल होता है। ओके, अब आपको पता चले, आप सीधी गाड़ी जाए, आप यही सोचो, आप वो आपके वहाँ फन फेयर लगता है। ओके, तो आप वो मेरी गो राउंड में, तो जब नीचे उतरता है, ऊपर जाता है, कितना डर लगता है। उस तरीके से घर ही भी हो तो आपको कैसा डर लगेगा, सोचो। वो वाली यहाँ तो हमने यहाँ नहीं होता, बाकी वाटर पार्क में जाओ तो पता है, ऊपर जाने का फिर नीचे उतरने का, वो ऊपर जाता है कितना डर रहता है। इस तरीके से रेल रोड और बस रूट होता है, तो कभी कभी आप सोचो कि बस में अगर पावागढ़ वावागढ़ घीना वीना चढ़ना हो बस में, तो आपको कैसा डर लगता है। थोड़ी देर के लिए तो सांस रुक जाती है कि आप गए, काम से ही गए हैं ना। तो ये रोड रूट्स और रेल रूट से वो फ्लैट जो प्लेन्स होती है ना, वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता है। और क्या है, वो माउंटेन में तो अमाउंट आप जाते, तो ऊपर गुरु शिखर तक चढ़ने के लिए जो गाड़ी चलती है किस तरीके की लगती है, थोड़ी देर के लिए तो जान हाथ में आ जाती है, बोले कि अब तो गए काम से। वो जो ड्राइवर चलाता है ना बस, इस तरीके से चलाता है जैसे कि गए हम काम से, नीचे पहुँचे तो पहुँचे, नहीं तो भगवान के पास पहुँच गए, इस तरीके से लगते। तो जो फ्लैट लैंड होती तो हम बिंदास बैठते। ओके, अब सिटी, बहुत सारे जो प्लेन्स में डेंस पॉपुलेशन, मतलब जो बस्ती की घींच है, वो सिटी में ही ज़्यादा है, क्योंकि उस सिटी की जो ज़मीन है वो फ्लैट होती है। ओके, दूसरा है कि फर्टाइल लैंड जो होती है, फर्टाइल लैंड वो फार्म प्रोडक्शन के लिए भी
ज़्यादा यूज़फुल है। फार्म प्रोडक्ट, जो फार्म प्रोडक्ट होते हैं, फार्म मीन्स जैसे कि कॉटन, कॉटन के कपड़े बनते हैं, लेकिन कॉटन तो फार्म्स में ही प्रोड्यूस होता है ना, फिर वो रॉ मटेरियल होता है, यानी अभी कच्चा होता है, उसको बहुत प्रोसेस करके तब जाके कॉटन का कपड़ा बनता है, और फिर जाके वो कॉटन के कपड़े को कलर करते हैं, और कलर करने के बाद हम उसको सिलवाते, तब जाके हम पहनते हैं, लास्ट में सिलाई का काम होता है, तब जाके हम पहनते, डायरेक्ट उठा उठा के लगा नहीं देते, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। चलो, बे, बे मीन्स खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल फेमस, जो हमारे इंडिया में ही है, बे ऑफ बंगाल, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, बे ऑफ बंगाल। ओके, बे ऑफ बंगाल मीन्स कैसा होता है, यूजुअली अ पार्ट ऑफ एन ओशियंस वाटर इज कोल्ड बे, दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड लेक सराउंडेड बाय द लैंड, यानी लैंड के आसपास, सराउंडेड लैंड आसपास एक बड़ा सा वाइड लेक, या तो बड़ा सा और बहुत चौड़ाई वाला, ओके, और शेप एक अच्छा सा शेप, यानी पूरा ओशियंस का पानी भी जो होता है चारों तरफ, ओके, उसको क्या बोलते हैं, बे। और एक्चुअली वो पानी जो होता है वो ओशियंस का ही पानी होता है, यानी एक ओशियंस के पानी का एक हिस्सा होता है, जो उसको बे बोलते हैं। आप इसके लिए, आप है ना, जो इंडिया का मैप है ना, उसमें देखना, वो एक सरफ पानी होगा, यानी ओशियंस का ही पानी होता है, पर बीच में क्या थोड़ा सा सिटी विटी आ जाती है, थोड़ा सा गैप होता है, तो ओशियंस का पानी तो वो रहता है ना। ओके, गल्फ, गल्फ यू नो वेरी वेल, वैन वाटरी एरिया, वैन वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, इट इज कोल्ड गल्फ, गल्फ ऑफ कंभार एंड गल्फ ऑफ कच्छ आर द बेस्ट एग्जाम्पल, जो हमारे यहीं है, गल्फ ऑफ कंभार एंड गल्फ ऑफ कच्छ। ओके, यानी गल्फ किसको बोलते हैं, ये इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैन वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम थ्री साइड इज इज कोल्ड गल्फ। ओके, वैन वाटरी एरिया, वैन वाटरी एरिया इज सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, इट इज कोल्ड गल्फ। ओके, यानी उसको क्या बोलेंगे, गल्फ, तीन साइड से लैंड से जो पानी का हिस्सा होता है वो कवर होता है ना उसको। कैपे, कैपे मीन्स भूसीर होता है। ओके, कैपे मीन्स भूसीर, कैपे मीन्स भूसीर, कैपे, कैपे इज अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड that extends into the water body. It also can be known as sea line. It also can be known as sea line. For example, Kanyakumari, India, and Cape of Good Hope, Africa. Okay? जैसे हमारा कन्याकुमारी, okay? एक जमीन का end होता है, okay? जमीन जो होती है ना उसका end होता है ना, end. मतलब सीधा, ओके, सीधा एंड होता है, जैसे हमारा नीचे का कन्याकुमारी वो एंड है, ओके, कैपे इज अ परपेंडिकुलर, यानी सीधा एंड होता है, लैंड का एक सीधा खड़ा एंड होता है, ओके, वाटर बॉडी के अंदर ही, यानी कन्याकुमारी हमारा, कन्याकुमारी आपको यहाँ कन्याकुमारी, तो ये कन्याकुमारी के बाद एंड ही है, ओके, यहाँ सी है, अरे वो समुद्र, उसके बाद श्रीलंका है, छोटा सा श्रीलंका एक आइलैंड जैसा ही है बच्चों, ओके, वो बहुत छोटा है आइलैंड, चलो यहाँ देखते आइलैंड, अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स इज नोन एज एन आइलैंड। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट आइलैंड डेफिनेशन, a piece of land that is surrounded by water from all four sides is known as an island. Okay? यानी उसको क्या बोलते हैं, island, यानी चारों तरफ से एक ऐसा जमीन का टुकड़ा, a piece of land means जमीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से
जो सी वाटर पानी से कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड। ओके, फॉर एग्जांपल है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, फिर आइलैंड, आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो हमारे यहाँ इंडिया में है। ओके, फिर आइलैंड शंखोद्वार, बेट द्वारका जो हमारा बेट द्वारका है, पिरम बेट, पिरम बेट, सियाल बेट एक्सेट्रा, ये सब इंडिया, हमारे इंडिया में ही है। ओके, ये सब आइलैंड है। चलो वैली, वैली लो लाइंग रीजन, लो लाइंग रीजन अमोंग द माउंटेन रेंजेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन इरोशन टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ रिवर्स और ग्लेशियर्स एज अ रिजल्ट वैली आर क्रिएटेड। फॉर एग्जाम्पल काश्मीर वैली, काश्मीर वैली यानी माउंटेन रेंज होता है उसके बीच में जो नीचे का हिस्सा होता है। देखो लो लाइंग रीजन अमोंग द माउंटेन रेंजेस यानी एक माउंटेन, माउंटेन रेंजेस में, रेंजेस मीन्स एक माउंटेन दो नहीं तीन नहीं लेकिन बहुत सारे माउंट होते यानी उसको रेंज बोलते हैं, रेंज। ओके, माउंट रेंज होते हैं जो बहुत सारे माउंट रेंजेस होते हैं उसके बीच में, अमोंग मतलब वो सबके बीच में। ओके, बहुत सारे माउंटेन होते हैं आसपास में और बीच में जो होता है उसको माउंटेन रेंज बोलते हैं। अमोंग मीन्स बिटवीन, मीन्स भी बीच में होता है, अमोंग मीन्स भी बीच में होता है लेकिन बिटवीन दो चीज़ के बीच में, इसको बिटवीन बोलते हैं। देखो ये लड़का है, ये लड़का है और इसके बीच में जो लड़का हुआ ना वो बिटवीन, यहाँ सब हो और यहाँ बीच में जो होता है उसको अमोंग बोलते हैं। ओके, यानी माउंटेन रेंज आसपास में सब माउंटेन माउंटेन होते हैं, बीच में जो होता है ना जो नीचे का हिस्सा होता है लो लाइंग रीजन यानी नीचे वाला जो प्रदेश होता है ना उसको वैली बोलते हैं। ओके, और वैली जो है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन से ही क्रिएट होती है। ओके, क्योंकि नदी के बहाव से, नदी से बहाव से सब कुछ बह जाता है, ग्लेशियर्स होते हैं और इस तरीके से वैली क्रिएट होते हैं। काश्मीर वैली है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, शायद आप में से किसी कोई जाके भी आया होगा। ओके, अ स्ट्रेट अ नैरो पीस ऑफ सी, अ नैरो पीस ऑफ सी दैट जॉइन टू लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल पाल्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ओके, पाल्क स्ट्रेट जो है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इन हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो पाल्क स्ट्रेट है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, यानी कैसा पता है, बहुत वो जॉइन है स्ट्रेट मतलब एकदम छोटा सा पीस होता है सी का, नैरो पीस ऑफ सी दरिया का एकदम चौड़ा चौड़ा यानी शॉर्ट नैरो पीस होता है ना, बहुत सारा आपको देखना है तो एक बार है ना आप मैप इंडिया का मैप है ना वो देखना आपको पता चल जाएगा। यानी यहाँ से ऐसा होता है देखो ऐसा, फिर यहाँ से ये श्रीलंका, ये चौड़ा है जो ये चौड़ा होता है। ओके, चलो इस्थमुस, इस्थमुस मतलब अ नैरो पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट्स टू वाटर एरियाज इज कॉल्ड इस्थमुस। फॉर एग्जांपल पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी जमीन का छोटा सा टुकड़ा, नैरो मतलब थोड़ा सा ऐसा चौड़ा चौड़ा नहीं होता, थोड़ा सा शॉर्ट होता है ना और दो हिस्से को अलग करता है एरिया को, वाटर एरिया यानी छोटा सा ऐसा हिस्सा जो पानी को अलग करता है। पेनिनसुलर, पेनिनसुलर मीन्स पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय, पेनिनसुलर मीन्स प्रायद्वीपीय, अब द्वीप का ही, अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड्स एंड कनेक्टेड विथ लैंड वन ऑन वन इज कॉल्ड पेनिनसुलर। जैसे साउथ इंडिया, साउथ इंडिया एंड सौराष्ट्र मतलब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, अ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड मीन्स जमीन सा जो थ्री साइड से सी से कवर हो, तीन साइड से दरिया से कवर होता है और वन साइड, एक साइड है ना जैसे एक साइड जमीन से कनेक्टेड होता है, तीनों साइड है ना
पानी होता है, यानी देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना जो कुछ, तो यहाँ 1 2 3 ये तीन हिस्सा सी के साथ कनेक्ट होता है, और 1 जो है वो यहाँ कनेक्ट जमीन के साथ। जैसे ये ना साउथ इंडिया, हमारा साउथ इंडिया जैसे केरला साइड, तीनों साइड वो तीन साइड कौन सा है, सी है, और 1 साइड जमीन के साथ कनेक्ट है, और सौराष्ट्र भी इस तरीके से। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर 11 आज यहाँ पूरा हो रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, चैप्टर 16। ओके, और आपको 16 के जो वर्कबुक के फोटोज है वो अभी आपको मिल जाएंगे, आप लोग रीड करना स्टार्ट कर देना, आपकी टेस्ट भी आ रही है। ओके, मैं आपको 16 चैप्टर इस बार जल्दी सेंड कर रही हूँ, मैं आपका चैप्टर तो कंटिन्यू कर दूंगी, पर फोटोज जो वर्कबुक है वो जल्दी से फोटो सेंड कर रही हूँ। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन रीड। ओके, बाय।